अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होप यू गाइस आर डूइंग गुड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, गुड। वेरी नाइस आयत। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू सब्सक्राइब। और अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपने हमारा प्रीवियस एपिसोड देखा होगा इंडिया सीरीज का, वो हमारा इंडिया सीरीज का लास्ट एपिसोड था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब इंडिया जाएंगे तो वापस से कंटिन्यू करेंगे ब्लॉगिंग इंडिया सीरीज की। बट आज हमारा प्लान क्या है कि हमारा कुछ प्लान है ही नहीं, बस वीकेंड है तो हम लोग ऐसे ही बाहर निकले घूमने के लिए। देखते हैं कैसा जाता है आज का ये वीकेंड। अभी के लिए लेट्स गो। वैसे अभी टाइम हो रहा है 4 o'clock और 4 o'clock में ऐसा अंधेरा छाया हुआ है। ये हमारा आज का पहला स्टॉप है, इस स्टोर का नाम है कार्पेनिटो ब्रदर्स। यहाँ पे पूरे फ्रेश प्रोड्यूस मिलते हैं, फ्रूट्स और वेजीज। स्पेशली क्रिसमस के टाइम पे ये लोग क्रिसमस ट्रीज तो बेचते ही है, बट उसके साथ स्नो शेडेड क्रिसमस ट्रीज भी बेचते हैं यहाँ। आयत मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये सारे जो स्नो शेडेड ट्रीज है ये सब जो है ये बेचने के लिए रखे हैं। बहुत सारे थे यहाँ पे, बहुत सारे ख़त्म भी हो गए अभी क्योंकि क्रिसमस करीब आ रहा है, तो सब लोगों ने जो है ऐसे ट्रीज उठा के अपने घर के लिए लेके चले गए। हाय ताओ बेटे, तुम्हें मैं जाएंगे फर्स्ट। दिसंबर के मंथ में यहाँ रेनडीर और कैमल स्पेशल अट्रैक्शन के लिए लाके रखते हैं। इस साल हॉलीडे लाइट्स भी डिस्प्ले के लिए रखे हैं, तो चलिए चल के देखते हैं। यूजुअली जो लोग खरीदने आते हैं यहाँ उनके लिए ना सिर्फ खरीदारी बट इन अट्रैक्शंस को देखने का भी मौका मिल जाता है। वैसे भी आप आ सकते हो इधर, ऐसा नहीं है कि आपको शॉप में कुछ खरीदना ही है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा दोनों ही रेंडीज के बड़े बड़े हॉर्न्स थे यानी सींग, बट अभी अगर आप देखोगे तो एक के सींग है ही नहीं और दूसरे के आधे सींग टूटे हुए है। क्योंकि ये दोनों आपस में इतना लड़ पड़े कि सींग तोड़ लिए, इनफैक्ट उधर ही गिरा है एक का सींग। जब तक मैंने ये फन फैक्ट नहीं पढ़ा तब तक मुझे नहीं पता था कि रेनडीर्स कैन स्विम 4 to 6 miles per hour एंड रन अप टू 50 miles per hour। दूसरी साइड पे इधर डोंकी और कैमल को रखा है। तो ये था यहाँ का नजारा, हमने एक साइड पे दो रेनडीर्स देखे और दूसरी साइड पे हमने देखा एक कैमल और डोंकी थी, और एक छोटा पॉन्ड भी है जिसमें एक फिश थी। और यहाँ पे एक फोटो बूथ जैसा बना के रखा है जहाँ पे हमने देखा काफी लोग आके अपने पिक्चर्स ले रहे थे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि हॉलीडे लाइट्स दिस वे, तो उधर बाजू में हॉलीडे लाइट्स है, तो अभी मैं आपको उधर लेके चलता हूँ। हमने जो अंदर देखा वो स्नो शेडेड क्रिसमस ट्रीज थे, बट जैसे मैंने आपको बताया यहाँ नॉर्मल क्रिसमस ट्रीज भी बेचते हैं और उनको इधर बाहर रखा है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और चल के ये जो विंटर वंडरलैंड का थीम है उसको एक्सपीरियंस करते हैं। Yeah.
Let's go find Mama. बैठ सकते जाको फोटो के लिए। हम लोग निकल रहे थे तो मैंने देखा ये दो रेंजर्स अभी भी आपस में लड़ रहे हैं, तो इनके केज में एक डिवीजन वाला फेंस बीच में बना रहे हैं ताकि ये दोनों एक दूसरे को और हर्ट ना कर बैठे। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। वैसे क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ कारपनीटो ब्रदर्स पे, तो मैं आपको इनका स्टोर भी दिखाता हूँ। यूजुअली क्या है कि अभी क्योंकि ये विंटर सीजन है तो इस टाइम पे वेजिटेबल्स जो है उनकी पीक नहीं रहती है, तो ये लोग अभी सिर्फ फ्रूट्स बेचते हैं और फिर फ्लावर्स और फिर सॉइल वगैरह ये सब बेचते हैं। अभी समर जैसे जैसे शुरू होता है वैसे वैसे यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स वो सब एक्चुअली इनका खुद का फार्म है। अगर आपने हमारा हैलोवीन का पम्पकिन पैच वाला वीडियो अगर देखा है तो वो जो फार्म पे हम लोग गए थे पम्पकिन पैच के लिए वो इन्हीं का फार्म था। और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा आया था वो व्लॉग। मैं ऊपर एक लिंक ऐड कर दूंगा ताकि आप जाके देख सको वो, क्योंकि यहाँ पे बहुत फ्रेश प्रोड्यूस रहता है तो हम लोग यूजुअली आके यहाँ से खरीदते हैं। तो अभी नेक्स्ट प्लान ये है कि हमें खरीदना है आयत के शूज। आयत के शूज जो है वो बहुत ही टाइट हो गए हैं, जब हम लोग इंडिया में थे उस टाइम पे खरीदे थे वो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऑबर्न आउटलेट्स जो बहुत ही पास में है यहाँ से, तो उधर जाके आयत के शूज खरीदेंगे। चलिए जो शू हमें पसंद आया वो आयत के साइज का नहीं है, जो आयत के साइज का था वो शू हमें पसंद नहीं आया, तो हमें ढूंढना पड़ेगा दूसरा स्टोर। लेकिन आज नहीं जाएंगे दूसरे स्टोर को, उसके लिए वापस से फिर से कभी आएंगे। तो अभी के लिए मॉल में टाइम पास करते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आया देन प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कमेंट टू शेयर योर थॉट्स एंड प्लीज डू शेयर आवर वर्क अमंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। उसी के साथ आज का ये व्लॉग इधर एंड करते हैं। अंटिल नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द लिटिल टेस्टर, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।